और स्पेशली मम्मी के लिए आई है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आंटी से मिलने के लिए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। भगवान बहन दे तो ऐसी दे, इसको सब पता है मुझे क्या पसंद है। सुरभि तेरा फास्ट है ना। दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है, सुरभि ने पापा को बताया कि वो बालाजी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। बहुत ही बड़े बड़े भक्त है, मैं भी हूँ। और पापा और सुरभि के डिस्कशन चल रहा है हमारे राजस्थानी कल्चर को लेकर, क्योंकि हम भी मतलब काफी रहे थे वहाँ पे। व्रत का खाना लग चुका है अभी। यार आप सबको सुरभि की एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुन के आपके मन में इसके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे मन में आज बहुत बढ़ गई है। ये लड़की खाना बोल रही है, आज इसका व्रत है तो खाना ना इसने ये डैंडल पे निकाली, बोल रही है मैं मुझे चटाई बिठा दो और मैं नीचे बैठ के खाऊंगी खाना। व्रत में तो मैं नीचे बैठ के खाऊंगी। क्या बात है सुरभि यार, मतलब एक सुरभि वो जो मैं सोशल मीडिया पे देखती है जो मॉडर्न भी है, लेकिन एक उसके पीछे की सुरभि ये भी है जो कि सारे अपने कल्चर को फॉलो करती है। हाँ अपने कल्चर को फॉलो करती है और इतनी ज्यादा ग्राउंडेड है लड़की, मैं आपको क्या बताऊं यार। अब ये मत बोलियो कि मैंने तारीफ करने के पैसे दिए। नहीं यार ये तो नहीं, लेकिन सुरभि सच में मतलब तुझे पता है कि तेरी दिक्कत क्या है, तू ऐसी चीजें ना कभी अपनी बाहर नहीं आने देती जो कि दिखाना चाहिए लोग, क्योंकि तेरे को पता है कितने लोग तेरे को अपना इंस्पिरेशन मानते होंगे, है ना। तो ये चीज तो सीखे यार, अपने कल्चर को भूलते पहले अपनी चीजों से तो बाहर आ जाओ। तू आ गई है यार, वो मेंटली तू अब बोलना बंद कर दे, इस बारे में अपने आप आ जाएगी बस। आई होप। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राउड ऑफ यू सुरभि यार सच में। चटाई अभी सिर्फ सुरभि के लिए आई है ताकि सुरभि बैठ के खाना खा सके। भाई वाह सुरभि, दिल जीत लिया बहना तुमने यार। पर आंटी को बैठा नहीं है। क्या बात है सुरभि, क्या बात है। हाँ बैठ जा यार, क्या बात है सुरभि यार। हाँ भाई छत्रानी हो दोनों। राजपूत है तो ये वाला अपना कल्चर जो हमारा राजपूती कल्चर है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा यार। तू एक्टिंग करी तो सच में इतनी अच्छी है गाइस, इसने बर्तन भी नहीं उठाने दिए, बोल रहे तेरे को पैसा पूरा मिलेगा यार। कुछ नहीं, बहुत बोली है लड़की, बहुत बोली है यार। नीतू हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तबियत ठीक हुई। अरे अरे कंटेंट जल्दी आज भरमार हो जाएगी यार। मैं ना तो जल्दी आ गाइस, कंटेंट का मूड ऑफ है क्योंकि आज सेल इसकी सिर्फ 1500 रुपए की हुई है। कुछ भी इधर तो आ, कंटेंट जल्दी आ। अरे यार तेरे को नई दोस्त से मिलाता हूँ, ये सब बाद में कर लियो यार। रुक जा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है तेरा? हाँ हाँ यार, हाँ ठीक है यार, आती सबसे पहले चार्ज करती क्योंकि है ना अपने फैक्ट्री की तो बिजली बचाती है, ऑफिस में बिल्कुल यूज नहीं करती ना कुछ चार्ज करती। आओ बहन सुरभि, मीट माय कंटेंट, हर नेम इज कीर्ति रावत। ये परसेंटेज बांटेगा फिर तू ऐसे तो तू। अरे यार परसेंटेज बांटने जरूरत नहीं पड़ती, 100% मेरा ही है। हां 100% आपका है। हां तो मेरा है वो, इनका जो इनका कीर्ति, सॉरी जो इनका कीर्ति, वो सुरभि, सुरभि कीर्ति नीतू। सुनो क्या बोलते हो, बोलने तो जो इनका वो मेरा और जो मेरा वो मेरा, ऐसे ही है। पागल हो गए तुम क्यों? मेरा भाई तुम्हारा नहीं है? वो तो है मगर आपका तो नहीं है। बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत प्यारे हैं दोनों में। ये तेरे लिए नहीं है सुरभि, मम्मी के लिए लेकर आई है यार। ये तो सब खाती है पता है। हाँ। ये खाने पीने मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ। जैसे नीतू ना ये खाएगी वो खाएगी। गाइस फाइनली अब वो टाइम आ गया जब सुरभि जाएगी घर से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मुझे पता है घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब कोई बात नहीं, वो आती जाती रहेगी, आपको व्लॉग्स में भी दिखती रहेगी। बहुत अच्छा लगा उससे मिलके और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो वाले शॉर्ट्स भी लिए सुरभि के बारे में जो मैंने दिखाया आपको कि वो कैसे जमीन पर बैठ के खाना खा रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। बादू भाई तुम्हारा एक फैन आई है, वो कहती है मैं बादू भाई बहुत बढ़िया खाना बनाया है, वो खाना मैंने बनाया है। तू चुप रह, इन्हें मैंने सिखाया, पूछ बताओ ना यार, बताओ तो तुम्हें किसने सिखाया, बता दो यार किसने सिखाया। मैंने मिट जाएगा तू किधर से। बहादुर भाई में सब लोग बोलते बहुत अच्छा खाना बनाते हो, कहते कभी अच्छा से बात ना करते मेरे से यार। आपको दाल बाटी भी आती है क्या? खानी आती है। चलो मैं सिखा दूंगी आपको दाल बाटी। सही है तेरे पास आती है? थोड़ी बहुत तो आती है, बाटी आती है बनानी, बाटी तो आती है मुझे बनानी। दाल में होता क्या, दाल मिक्स दाल होती है ना, वैसी दाल होती है बना दोगे? वैसे वैसे मुंडा हिला रहे हो यार, बता दो एक बार थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। आ भैया तुझे ऊपर बुला रहे हैं जल्दी से, चल पानी पी लो। देखो भाई लोग मुझे, मैं अभी तक ऊपर नहीं गया लेकिन मेरे को पक्का पता है इसको क्यों बुला रहे हैं, आई गेस आपको पता होगा। क्या हुआ सिर्फ किसी को बुलाते तुझे कस्टमर करके? इसके अलावा किसी को कॉल नहीं आते मुझे, इतनी बुरी किस्मत। आओ आओ ब्रो आओ, यू हैव बीन कॉल्ड। हाँ ज्योत, ज्योत दादी अखंड ज्योत। वाओ दिस इज ग्रेट। ये वापस जा रही है मम्मू के बार बार देखनी होती है। जा रही हूँ मैं, लेकिन नारा नहीं नहाती बाद में, बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि का बाद पिटवा ली है। अभी व्रत रखे हुए हैं उसने, अभी कुछ अभी तो अभी वो क्या बोलते हैं नवरात्रि में लड़की कन्या कन्या के समान होता है। कन्या माता के समान, माई तो मार रही कन्या को। हाँ वो भी तो कन्या ही है। ये बात भी है,
कन्या की माँ भी मेरा तुम्हें ये बात। चलो जाते हैं मम्मी हम, ठीक है? सुनो बोलो। ख्याल रखना अपना, ठीक है? बाय 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 मामू। नमस्ते अंकल, मिलते हैं फिर। खुश रहो बेटा, जल्दी जल्दी आती नहीं है। थैंक यू। जल्दी जल्दी के भगवान ही मालिक है इसका। अब क्या आप खूब सारी वीडियो बनाएंगे? हां तो मैं ऐसी तेली हो रही पड़ी हूं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कल करेंगे आंटी के, है ना? नीचे मतलब हां हां यार। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में इनसे मिलके। ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब कसम से तेरी फैमिली से मिलके लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिली। तेरी फैमिली करती रही। देख लो। अरे नहीं नहीं, फिर वही बोल। मेरी फैमिली से मिलके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूं। सच बोल, ये पिटवाने के लिए बैठा। हां तो इसने पूरी कोशिश करी मुझे पिटवाने के लिए। मैंने क्या कोशिश करी पिटवाने की? मेरे पे नाम लगाए। झूठा झूठे। बुरी। खाना सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बनाया। थैंक यू यार, चल तुझे पसंद आया, मेरा तो बनाना सफल हो गया। चुप रह। ठीक है मामू, मिलते हैं। बाय मामू, बाय, मिलते हैं, बाय। आ जा बहन तू, आ। चलो आंटी नमस्ते। चलो नींदू, नींदू बेश, नींदू बेश। बाय कंटेंट, तू तो परमानेंट कंटेंट है, वो टेम्पररी, जब व्यूज ज्यादा कम होता है तब उसको मैं लेता हूँ। बाय कंटेंट, बाय। कैसा लगा? कैसा लगा? सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबसे स्पेशल। तेरे से तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो उससे पूछ रहा हूँ कैसा लगा। अरे सॉरी, मैं मजाक करता हूँ यार, इतनी बेइज्जती। मैं मजाक करता हूँ, सॉरी यार। सच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम सच में तेरे घर आई हूँ। मेरी बहन, बस तू आती रही हो और तू एकदम खुश रहे। बहुत अच्छी तरीके से सुरभि को मैं खुद ड्रॉप करने चला हूँ। चलो बहन आओ। बहन मुझे भी गाड़ी बहुत कभी कभी मिलती है, आज किस्मत से तेरी वजह से मिल गई। क्या? मुझे ये गाड़ी में बैठने को बहुत कम कम मिलता है। ऐसा क्यों? ज्यादातर वही रहती है, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है, पता है। हाँ? हाँ। और प्यारी भी बहुत है, मुझे सेडान बहुत अच्छी लगती है, एसयूवी से ज्यादा। स्काई, मैं आया हूँ सुरभि के घर, और ये मेरी बहन के दो मेहनत के अवार्ड। अंकल नमस्ते। आंटी नमस्ते। आंटी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओ तू डांस भी करता है? स्काई स्काई भाई, नाखून मार देगा ये तेरे। नहीं नहीं मारेगा, कुछ नहीं मारता ये। छोड़ तो सही, और प्यार करेगा, प्यार करेगा। हाय, प्यार करेगा, कुछ नहीं करेगा ये। गाइस आप बिलीव करोगे, हमारी माता जी को सारे करेक्टर पता है मेरे घर के, बहादुर भैया से लेके डॉग्स कितने हैं, सारी बातें पता है। आज ही देख रही थी मैं ब्लॉग सारे। मैं इसके क्या बात है, इसके पापा को नहीं पता था ना, कह रहे कहाँ गई है सुरभि। तो माता जी ने दिखाया कि यहीं पर गई है, देखो। मुझे नहीं पता, मैं सबसे जाके इंट्रोडक्शन कर रही थी। यहाँ तो जरूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन की, हमारी माता जी ने सब बता रही है। ये कुक है, ये सब होता है घर में, सारी चीजें। मैं इनको यही बता, देखो ये पापा है, ये मम्मी है, ये भाई है, तीन भाई हो ना, एक बहन। मैं कभी भूल गया तो मैं आपसे पूछ लूंगा। सुरभि शर्म कर तू यार। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इनके शायद पापा ने पार्टीशन में तीनों भाइयों के अलग अलग बना रखे हैं, रूम से अलग अलग है, मतलब जैसे ये बड़े बेटे का, ये छोटे का, ऐसा कुछ सीन है या नहीं, ये बता दो। आंटी मैं तो जाके सीधे इसके साइड में चिपकाऊंगा, किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे को कुछ नहीं पता। तू तो बहुत बड़ा मैं, बहुत बड़ा मैं, तू अपने बारे में नहीं पता, दूसरे बारे में क्या बताएंगे। अब तो ठीक हो गया। थैंक यू यार, कितना टेस्टी खाना है। अगर आज इसका फास्ट नहीं होता ये भी खा रही होती, लेकिन क्या करें। सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये है। अम्मा जी आप तो खा रहे हो ना? बेटा मैं तो खा चुकी खाना। थोड़ा सा खा लो, ऐसा क्या हो गया? सारे आठ खा लो। लहर ब्रो, गाइस मैं आपको बताता हूँ, लहर का चैनल दोबारा से एक्टिव होने वाला है, अभी यूट्यूब पे धमाका होने वाला है। मैं करने वाली हूँ धमाका। तू तो चुप बैठी रह, चल आई बड़ी। हो जाएगा, अब आप देखो, अब यहाँ पे एक और सिल्वर बटन आपको दिखेगा बहुत जल्दी, उसकी पार्टी में दोबारा होगा, 15 दिन के अंदर आ जाएगा, देखियो। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो आने में तो टाइम लगेगा, हो तो जाएगा ना, एक महीने, 1,000 रह गए। 1,000 रह रहे हैं, एक दिन का काम है यार, वो तो एक दिन का काम है। सब करेंगे, पार्टी होने वाली है। मुझे नहीं पता था सुरभि सुपर स्टार मेडल एक दिन चाट बना रही होगी। थैंक गॉड, आज इतने सारे साइड्स देखने को मिले सुरभि के, हमें थोड़ा थोड़ा डाल के आशीर्वाद। नमस्ते, बाय आंटी, बाय बाय बाय। जी जी जी। गाइस सरप्राइज अभी बाकी है, व्लॉग खत्म हो गया, लेकिन सरप्राइजेस नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नीतू और हमारी माता रानी, जिनका बर्थडे है 5 को, मतलब कल, तो वो लोग जा रहे हैं अमृतसर, क्योंकि उनको बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास कुछ और भी है करने के लिए, जो कि आपको ब्लॉग में बहुत जल्दी दिखेगा, और आप लोग विशेष करना कि जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत सक्सेसफुली हो। नीतू और आंटी दोनों निकल चुके हैं अमृतसर के लिए, मैं उनको सुबह ड्रॉप कर रहा हूँ एयरपोर्ट पर। बहुत अच्छा उनका ट्रिप होने वाला है, अमेजिंग, क्योंकि वो लोग चाहते थे आशीर्वाद लेना गोल्डन टेम्पल जाके,
अच्छा गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।